सो दोस्तों, आज मेरा मलेशिया में दूसरा दिन है और आज तो चैनल पर तो बने रहना ही है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, देन उसके बाद अपना कमेंट में अपना प्यार आप सभी ने देना है। तो चलते हैं फिर और एक्सप्लोर करते हैं आज मलेशिया को, कुआलालंपुर को। सो जस्ट अभी मैं आया हूँ KLCC शॉपिंग मॉल में और सिम बाई की है मैंने अभी 25 रिंगेट में, 1 वीक है, अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड इंटरनेट। ठीक है, ये अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। ये देख सकते हो आप, ये वाले प्लान है वीकली पास, ये मैंने लिया बिकॉज 1 वीक और हो यहाँ पर। अगर आप मंथली यहाँ पर हैं तो आप देख सकते हो ये वाले प्लान है। ये KLCC मॉल 3rd फ्लोर में ये शॉप है सेलकॉम की, यहाँ से मैंने बाई की। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी ट्विन टावर के पास और ट्विन टावर्स का जो व्यू है वो आप मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये व्यू है ट्विन टावर्स का और आई होप आप सभी को पसंद भी आएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, यह है ट्विन टावर्स का व्यू। तो ये जो आप देख रहे हो ये ट्विन टावर्स का दूसरा वही पार्ट है, बट ये पार्क है KLCC पार्क से ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। आई होप काफ़ी पसंद आएगा आप सभी को। सो दोस्तों, मैं हूँ अभी KLCC पार्क के पास में जो है KLCC एक्वेरियम। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ फिश और जो जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो, एन्जॉय कीजिएगा अभी। इसका जो टिकट है वो हमें मिला है 75 रिंगेट में, 75 रिंगेट का एक टिकट है। तो इंडियन रुपीज़ में आप कैलकुलेशन कर सकते हो 18-19 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, मैं 20 रुपीज़ के हिसाब से चल रहा हूँ।
है फिश एक्वेरिया जहाँ पर हम अभी एंजॉय कर रहे हैं और उम्मीद है आप सब भी मेरे साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। एक्वेरियम अंदर का इस तरीके से हमें दुबई में देखने को मिलता है, सेम उस तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आते हैं तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए हो सकता है KLCC एक्वेरियम। ये देखो आप फिश कितनी प्यारी है, बहुत मजा आ रही है। ये बहुत बड़ी बड़ी फिश आई थी, 50-50 किलो, 1-1 क्विंटल की होंगी ये। तो दोस्तों जस्ट अभी मैंने मस्जिद जमैक में नमाज अदा की है जुहर की और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं। और आप सभी उसको मेरे पीछे आप मस्जिद देख सकते हो, अंदर बहुत काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी बड़ी भी है ये। थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, ये जस्ट बाहर का व्यू है, अंदर से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखें बाहर जो पानी की बोतल 2-3 रिंगिट की मिलती है वो अंदर 1 रिंगिट की है, तो मैं यहाँ पर 2 रिंगिट पे कर रहा हूँ, 1 रिंगिट एक्स्ट्रा जो कि डोनेशन में जाएगा मेरा और उसी से कर रहा हूँ अपनी। बाहर भी 2-3 रिंगिट हम पे करते हैं तो यहाँ पर 1 रिंगिट है, 1 एक्स्ट्रा। सो दोस्तों मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मैं आ गया था अपने रूम पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड था, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, थोड़ा सा हेल्थ वीक लग रही थी। देन रूम पर आकर थोड़ी देर रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद पुष्पेंद्रा भाई से मीटिंग की, नाइट में प्लान बना लिया कि पुष्पेंद्रा भाई से मिलूंगा, तो मैं पुष्पेंद्रा भाई से मिला, डिनर उनके साथ में किया, काफ़ी बातें चीतें हुई। जिन लोगों को नहीं मालूम, पुष्पेंद्रा सिंह डिजिटल के नाम से आप चेक कर सकते हो, 313,000 उनके सब्सक्राइबर हैं आज के टाइम पर, तो उनके साथ मीटिंग हुई है ग्लोबल राशि चैनल पर, क्रिप्टो पॉडकास्ट विद पुष्पेंद्रा, तो आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी कन्वर्जेशन रही और फाइनली सेकंड डे का हमारा एंड हो गया और फिर मैं फिर से रात नाइट में रूम पे आ गया। तो सेकंड डे मेरा इस तरीके से गया। बात करें थर्ड डे की, थर्ड को मैं सुबह उठा 9:30-10 बजे, ब्रेकफास्ट किया, थका हुआ था, फिर से सो गया, फिर उठा मैं 2 बजे के आसपास, चेकआउट था लेकिन मैंने फिर एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड करके मैं यहाँ पर रुका, कुछ मीटिंग्स की, लोग घूमने कहीं पर नहीं गया। आज थर्ड डे है मेरा, जस्ट अभी डिनर करके आया हूँ और डिनर करके फिर ये सारी अपडेट आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से मेरा सेकंड डे और थर्ड डे मेरा यहाँ पर निकल चुका है। अब बात करूँ फोर्थ डे की, तो कल का मैं फिर से मीटिंग्स का कुछ प्लान बना रहा हूँ और कुछ इंटरव्यूज़ हो सकते हैं तो आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन है मलेशिया वर्किंग वीज़ा को लेकर, तो वो भी आपको जल्दी हमारे चैनल के ऊपर दिखाई देंगी, जो कि आप सभी लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं ऐसी पर्सनैलिटी से आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो कि सैकड़ों के हिसाब से ऑलरेडी जो है वीज़ास लगवा चुके हैं, वो भी
लाइक फाउंडर, डायरेक्टर, सीईओ, उस लेवल के। तो अगर आप ऐसे वर्किंग में भी लगवाते हो तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिएगा, और इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से मेरा शुक्रिया। कोई भी सजेशन हो या कोई भी आपके पास क्यूरीज हो तो कमेंट्स में आप डेफिनेटली पूछिएगा, मैं वन बाई वन करके आपका इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।